तो वेलकम है दोस्तों। देखिए BCCL जो कि झारखंड धनबाद से वैकेंसी निकल के आ चुकी है और मैं झारखंड धनबाद या फिर कोई भी झारखंड की एक भी वैकेंसी को नहीं छोड़ता हूँ, आपके सामने खोल के रख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए BCCL में जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप नहीं किए हैं तो अगर आपके अगल बगल में या फिर कोई फ्रेंड किया हो तो प्लीज़ उन तक वैकेंसी को बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी नौकरी हो यार झारखंड में, कम से कम बेरोज़गारी कम से कम दूर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे झारखंड का मैं नाम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जान लेना चाहिए झारखंड की वैकेंसी है या नहीं, क्योंकि मैं बता ही तो रहा हूँ झारखंड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, धनबाद है ना, कोयला नगरी में आपकी पोस्टिंग होगी और धनबाद के कोयला नगरी में पोस्टिंग हो जाएगी, झारखंड से हैं तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी। देखिए टोटल 77 पोस्ट ही है केवल, जिसमें से हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि आपका जो बोलते हैं ना, दो प्रकार की वैकेंसी होती है, एक होती है रेगुलर और एक होती है आपकी बैकलॉग। तो ये बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जो है SC के टोटल 10 सीटें हैं, ST के 62 सीटें हैं और OBC के 5 सीटें हैं, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा ST हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए ST की सीट 62 को है यहाँ पर। और फॉर्म फी कितना लगेगा तो वो सारा कुछ जानेंगे। सैलरी क्या मिलेगा, देखिए सैलरी जो है आपको 31,852 रुपये स्टार्टिंग होगी पर मंथ, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि आपकी जो पोस्ट होगी जूनियर ओवरमैन की पोस्ट होगी, ग्रुप सी की पोस्ट है जूनियर ओवरमैन, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन ऑफ डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट आपका क्वालिफिकेशन अगर है तो यहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक है। अप्रूव्ड इन दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट। साथ में बोला गया है कि आपके पास वैलिड ओवरमैनशिप कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ ही आपको जो है वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो इशू होगा DGMS से, साथ ही आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये 4 सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे इस वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त माइनिंग इंजीनियरिंग किया हो तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो है 18 साल कम से कम और मैक्सिमम 33 साल के लोग अप्लाई कर पाएंगे। ST अगर आप हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ST और SC 35 साल तक अप्लाई कर पाएंगे और OBC 33 साल तक। आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी उसकी काउंटिंग की जाएगी 2 मई 2023, यानी कि 2/5/2023 तक आप कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। OBC ST SC में 35 साल से ज़्यादा हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फॉर्म को भरने के लिए आपको ST SC को कोई भी फी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप OBC हैं, NCL हैं, ठीक है, तो आपको 1180 रुपये लगेंगे, 1000 फी लगेगा और 180 रुपये GST चार्ज लगेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वह CBT कराया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। ये सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, ठीक है, कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, नो पर्सनल इंटरव्यू विल बी हेल्ड, ठीक है, इन्होंने बोल दिया है। फिर आगे यहाँ पे बता दिया गया है कि नो नेगेटिव मार्किंग, आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपको डिटेल में पढ़ लेना है अगर आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब मैं डायरेक्टली बात कर देता हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स की और लास्ट डेट की, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर आप OBC हैं तो आपको 40% कम से कम लाना ही होगा, और अगर आप ST SC हैं तो 45% लाना होगा 100 में से, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो डेट यहाँ पे हम बता देते हैं लास्ट डेट कब है फॉर्म को भरने का। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो है फॉर्म फिलअप होगा, वह फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट देखिए, आपका डेट है फॉर्म भरने का 2/5 से स्टार्टिंग हो गया है और आपका 25 तारीख तक अप्लाई कर पाएंगे शाम के 5 बजे तक, ठीक है। और आपका जो है जल्द ही एडमिट कार्ड आ जाएगा, SMS आ जाएगा एडमिट कार्ड जब भी आएगा, और टेंटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जल्दी बता दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको जो है डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट जल्दी कर दिया जाएगा, मतलब कि बहुत फास्ट करेगा काम, इस साल तक ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म बाकी आपको ऑनलाइन ही भरना होगा, कोयला क्या है जी
कोयला भवन या कोयला नगर धनबाद, जो कि भारत की कोयला राजधानी कहा जाती है, ठीक है, धनबाद हमारे झारखंड के, वहीं पे आपकी जो पोस्टिंग होगी। बाकी सारा कुछ आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। एक बार मैं कहूँगा, अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, द कैंडिडेट फुलफिल ऑल एलिजिबल क्राइटेरिया शुड सेंड दियर प्रोबेबली फील्ड इन प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म ओनली थ्रू रजिस्टर्ड ऑन स्पीड पोस्ट। सॉरी दोस्तों, इसी को मैं खोज रहा था। यहाँ पे जो है आपका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। इसी को मैं खोज रहा था कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ये फॉर्म जो है ऑफलाइन है। कैंडिडेट फुलफिल, ठीक है, फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड सेंड दियर प्रो क्या है जी प्रोपरली फील्ड इन प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म ओनली थ्रो रजिस्टर और स्पीड पोस्ट। हाँ, तो आपको जो है यह फॉर्म रजिस्टर या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा पहुंचाना होगा। एड्रेस कहाँ होगा, तो देखिए आपको एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, द जनरल मैनेजर, ये एड्रेस नोट कर लीजिएगा, ये जो ब्लैक ब्लैक में डार्क किया गया है इसको, द जनरल मैनेजर, ठीक है, ब्रैकेट में PNIR, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, कोयला नगर, पोस्ट BCCL, ठीक है, टाउनशिप धनबाद झारखंड, पिन कोड 82605, ठीक है, ये आपको एड्रेस पे सेंड करना है, बस यहीं तक, ठीक है। सो एज टू रीच ऑन बिफोर 25, अगर आपका जो है 25 के बाद पहुंचता है तो आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। 25 तारीख से पहले आपको भेजना होगा। और आपको कौन कौन सा देना है, तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म में ये सबसे पहले डाउनलोड करना होगा आपका ये वाला फॉर्मेट, ये, ठीक है, देख लीजिए पेज नंबर 8 आपको डालना होगा। यहाँ पे सारा कुछ भर लीजिएगा, एप्लीकेशन नेम, रोल नंबर, सारा कुछ, और जो चीज़ आप भर पाएंगे। उसके बाद आपका ये वाला फॉर्मेट, फादर नेम, ठीक है, एड्रेस वगैरह, पेज नंबर 8, 9 और पेज नंबर 10, ये 3 को पेज आपको डाउनलोड कर लेना है। पेज नंबर 11 भी डाउनलोड करना है, और देखते हैं अगर है तो, और OBC, अगर आप OBC हैं, ठीक है, तो OBC के लिए ये फॉर्मेट डाउनलोड करना है। साथ ही अगर आप STSC हैं, ये वाला भी आपको डाउनलोड करना है, STSC हैं तो आपको दूसरा वाला फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा, फ्रॉम कास्ट सर्टिफिकेट STSC, ये वाला डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो आप डिटेल में एक बार चेक कर लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से डाउनलोड करके आप खुद से पढ़िए। मैं केवल अलर्ट कर देता हूँ कि आपके लिए वैकेंसी आई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड इसी तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह कीजिए और नौकरी ले लीजिए।